नाम है आकाश और मैं आपको स्वागत करता हूँ BLS राइडर आकाश की ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आज से पहले जितना भी ब्लॉग कर चुका हूँ वो सब ओडिया में किया हूँ। मैं सोच लिया कि ओडिया में करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं ये तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी मैं हिंदी में ब्लॉग करने वाला हूँ। चलिए हिंदी में ब्लॉग करते हैं। और अभी मैंने उठा, देखिए कितना टाइम हो गया, 8:30 शायद हो गया, 8:30 बजे मैंने उठा अभी नींद से। उठ के ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, कोई भी काम नहीं, बस ब्लॉग बना दिया। चलिए आज दिखाते हैं हमारा सफेदा का जो पेड़ है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हमको तो पता नहीं, फिर भी जो भी है आप तो पहचान लोगे। वहाँ पे चल के देखते हैं, वहाँ पे अच्छा अच्छा फल हुआ है, वो कौन सा फल है दिखाते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, इतना छोटा पेड़ है, इतना छोटा, देखिए ये वाला पेड़ कितना छोटा है, पर देखिए यहाँ पे कितना फल हुआ है। ए मतलब बहुत सारे फल हुए हैं, मतलब देखिए, मतलब 100-200 मतलब हुआ है, पर कितना मोटा है देखिए, बस इतना मोटा में इतना फल हो गया है। तो ये जब बड़ा होगा तो कितना फल होगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं काम की ओर। आज मैं जहाँ पे जाऊँगा आपको शेयर करूँगा, कहाँ जाता हूँ, क्या काम करता हूँ दिखाएंगे आज आज के ब्लॉग में। कंटिन्यू करें आप, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। आज के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने नया खरीदा था और इसका जो है पैर बहुत मोटा है, पर मैं तो दुबला पतला इंसान हूँ, मतलब बच्चा हूँ, तो ये प्रिंट मेरे को नहीं हो रहा है। तो पहले चलिए टेलर पे सिलाई करते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले चलिए टेलर पे सिलाई करते हैं, ये रहा हमारा टेलर, उसके बाद यहाँ पे सिलाई करेंगे, उसके बाद पहन के बाद फटाफट से ऑफिस बाहर जाए ऑफिस चले जाएंगे। चलिए आज देखिए दोस्तों, मैं खड़ा होके कैसे सिलाई करता हूँ, आपको भी मजा आएगा देखने में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिलाई करते हैं, वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। तो देखिए मैंने पेंट सिलवा दिया। अगर आप भी एक पेड़ से टेलर को चला पाते हो, एक टेलर समझ रहे हो आपके पास भी है, आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और ब्लॉग बना। दोस्तों मैं ऑफिस निकाल के रेडी हो चुका हूँ, अभी ऑफिस जाऊंगा। देखिए ऑफिस ऊपर से नीचे तक कंपनी का जामा, कंपनी का आई कार्ड सब कुछ पहन लिया है, अभी जाएंगे हम सीधा ऑफिस। नहीं ऑफिस कौन है, कहाँ से आते हैं? नहीं जाएंगे ऑफिस के पहले फील्ड पे जाएंगे, क्योंकि ऑफिस तो महीने में एक दो बार जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ, कभी कभी 2-3 महीना, क्योंकि इधर मेरा घर के बाजू में जो सब काम आता है वो मेरे को प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से मैं काम करने के लिए सीधा निकल जाता हूँ। तो चलिए ब्लॉक पे बने रहे, आगे चल। सर कोई भी काम अभी तक नहीं आया तो क्या करें, दोस्तों के पास चल के थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉक करेंगे, जहाँ पे जाएंगे ऑफिस कॉल करेंगे, ऑफिस को कॉल करने के बाद वहाँ से काम हमको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ से काम लेंगे, सीधा भागेंगे मैदान और वहाँ पे काम करके
बस शाम होते ही लौटेंगे और क्या, चलो शाम के अंदर क्या होता है देखा जाएगा, देखते रहेंगे। मैं तो वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, सिर्फ वक्त का इंतजार है। चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं वासुदेवपुर। माइक बंद करना माइक। फाइनल हम अभी वासुदेवपुर आ चुके हैं। वासुदेवपुर हमको आजाद क्लब जाना है। आजाद क्लब में का फीस का डेमो है, वहां से डेमो देके सीधा दूसरा काम है, वहां पे जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम शोरूम पे जाके थोड़ा बैठेंगे। यहाँ पे तो आज पूरा का पूरा भीड़ है, क्योंकि कल यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई भी गाड़ी सब गाड़ी बंद था। तो यहाँ पे राइट लेते हैं, ये रास्ता सीधा भद्रक की तरफ जाता है, और भद्रक बोले तो वहाँ वो बड़ा सा मतलब शहर जैसा है। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो यहाँ से चलते हैं सीधा चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर जाने के बाद हमको मिल जाएगा आजाद क्लब, सीधा जाके राइट को लेना है। तो चलिए आजाद क्लब चलते हैं, वहाँ पे काम करके लौटते हैं। चलो रे, क्या यार बीच बीच में रुक जाते हो। दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको, आज आपको दिखाएंगे कि मेरा पापा भी इसी मतलब इसी मार्केट में काम करते हैं। तो मेरे पापा कहाँ पे काम करते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, पर पापा के पास नहीं जाएंगे, पहले से दिखा देंगे। चलिए पापा सामने राइट लेफ्ट में काम करते हैं, वहाँ से पापा की गाड़ी साइड से, पापा की गाड़ी साइड रास्ते के ऊपर होगा, रास्ते के ऊपर होगा तो अच्छा बात है, दिखा देंगे पापा का गाड़ी। और पापा का जो ओनर है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, पापा यहाँ पे काम करते हैं। पापा का बाइक कहाँ पे है, पापा का बाइक तो यहाँ पे नहीं है, पापा यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे। तो पापा नहीं है शायद, अभी कहाँ गए होंगे। पापा रहते तो पापा की बाइक यहाँ पे रहता। यहाँ पे हम काम करने के लिए आए थे, वहाँ पे जो फ्रिज है तो यहाँ पे ये भैया देख मतलब हमारे साथ भेंट हो गए। तो ये भैया हमको बोल रहे हैं कि भैया आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। मैं बोला नहीं भैया मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये भैया बोल रहे हैं कि नहीं आप वीडियो बनाते हो, हम तो बहुत बार यूट्यूबर को देख के हमको पता चल गया है कि आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो। तो ये भाई कुछ बोलेंगे, ये कॉलेज जा रहे थे, इन्होंने खड़ा होकर मेरे को बोला भैया आपका चैनल का नाम क्या है। तो देखिए ये भैया क्या बोलते हैं, भैया कुछ बोलो। भैया आप कहाँ से? मैं वो बालासोर से हूँ। कब से चैनल चला रही हो? मैं चैनल शायद 15-20 दिन हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। बड़े अच्छा भाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और भाई ऐसे कुछ वगैरह जो राइडिंग करते हैं जी, जो भी कर रहे हो उसको हम यूट्यूब पे देख लिया ना, इसलिए कैमरा देख के हमको ऐसा लगा, इसलिए आपको पूछ लिया। हाँ थैंक यू भैया। जो भी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं ठीक है, पढ़ाई कीजिए, इसमें क्या रखा है पढ़ाई करने। हमारा भाई ड्रीम है ना स्कूल कभी कभी ऐसा ही करने के लिए, और हमारा तो पैसा वगैरह कुछ नहीं है ना। हम भी लो क्लास है यार, क्या करें। वही तो बात ना भाई, हाई होगा तो भाई और कैमरा वगैरह लगा के और कुछ भी करके अच्छे से घूमने घूमने जाने के लिए अच्छा लगता है। तो आपसे मिलकर खुश हूँ। ठीक है थैंक यू भाई।
जो भैया थे उनसे मिलकर दिल को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि मेरे को भी YouTube चैनल करना है, पर हम लो क्लास है इसलिए मैं YouTube का चैनल नहीं खोल पाता हूँ, और मेरा भी बहुत ड्रीम है। तो आपका चैनल का नाम बोलिए, मैं बोला भैया कि मेरा YouTube का चैनल है पर उसमें सब्सक्राइब थोड़ा भी नहीं है, बहुत कम है, 20-25 है। बोला ठीक है, तो क्या हुआ, मैं भी जब यूट्यूबर बनूंगा तो मैं भी एक चैनल करूंगा, आपका नंबर दीजिए। मैं बोला भैया ऐसा पैसे तो नंबर नहीं दे सकते, फिर भी वो मेरे से नंबर ले लिए। देखिए हम अभी चूड़ामणि पे है, ये चूड़ामणि, चूड़ामणि का यहाँ देखिए नाव कितना है यहाँ पे जब मतलब पानी भरता है तो ये पुल का ऊपर तक पानी आ जाता है, पर अभी थोड़ा पानी सूख गया है, तो देखिए कितना सारा नाव है यहाँ पे। और ये 10-12 साल पहले हमारा उड़ीसा का सबसे बड़ा मतलब नाव जहाँ पे रहता है वो वाला सबसे बड़ा था, पर अभी दूसरा क्या हो गया है तो पता नहीं, पर ये कुछ समय पहले ये बहुत फेमस था, ये जगह बहुत फेमस था, अभी नहीं है फेमस। तो चलिए अभी शोरूम चलते हैं, और शोरूम चल के वहाँ पे वीडियो करते हैं, क्योंकि यहाँ से शोरूम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से पहुँचने में शोरूम 10-15 मिनट लगेगा, तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सीधा शोरूम पे जाके मिलते हैं। चलिए अभी हम आ गए हमारा शोरूम के अंदर, चलिए शोरूम का अंदर घुसते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए ये हमारा शोरूम का ओनर है जिसका नाम है भवानी भाई, ये हमारा सोनी, ये हायर का मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे सब LED लगा हुआ है, तो ये जो 3-4 LED है ये सब मैंने लगाया है, यहाँ पे आओ और सस्ता सुंदर मजबूत से चीज लेके जाओ। ये देखो ये वाला फ्रिज, ये देखो सब ब्रांडेड है, सब ब्रांड। और ये देखो इधर सैमसंग इधर है, सैमसंग डबल डोर, ये सब LG व्हर्लपूल, उसके बाद वोल्टेज बेको हायर का, यहाँ पे सब कुछ सस्ता से मिलता है, यहाँ पे जो कुछ भी आओ, यहाँ पे ग्राइंडर चाहिए, आक्वा गार्ड चाहिए, जो कोई भी होम थिएटर, यहाँ पे गीजर, यहाँ पे रहा ये रहा फिट सब फैन, जो कोई भी हो LED, उसके बाद ये रहा चिमनी, उसके बाद ये माइक्रोटेक का रहा बटरफ्लाई का मतलब गैस जो जलाने के लिए इंडक्शन शायद, और माइक्रोटेक का यहाँ पे रहता है ये क्या बोलते हैं इसको इन्वर्टर, सब AC सब कुछ है। वासुदेवपुर का ये सबसे बड़ा शोरूम है, आइए आके सब चीज खरीद के ले जाइए, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अच्छा प्राइस में सब मिलता है। शोरूम पे काम खत्म करने के बाद हम आ चुके हैं, अभी जाएंगे घंटेश्वर, वहाँ पे 2 LED का काम है, वो 2 LED काम करके ऑफिस को मैं फोन करके बोल दिया 5 बजे आज घर आ जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मेरे को काम है दोस्तों के पास। तो अभी चलते हैं घंटेश्वर जाने के लिए, हमारा जो एक क्या बोलते हैं नाव क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं वो नाव के पास, और नाव जब क्रॉस करेंगे तभी सोचेंगे वीडियो बना पाएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो सीधा जाएंगे काम करके लौटेंगे तभी वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नाव के पास, इधर हम पहुंच गए विदाईपुर से लेफ्ट लेंगे तो सीधा धामरा पोर्ट के पास पहुंचेंगे, या फिर धामरा, तो यहां से हमको जाना है घंटेश्वर, तो यहां से राइट लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट लेके हमको यहां पे जाके काम करना है। तो चलिए राइट लेते हैं और चलते सीधा नाव के पास। हम आ चुके हैं अभी तालाब के पास, तो तालाब में इसको नाव बोलते हैं, नाव उस पर जा चुका है, तो नाव उस पर जा चुका है, अभी तो पानी भरती हो गया है, तो नाव इस पर आएगा तभी हम जाएंगे। नाव चला गया है इस पर आने को, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। पूरा लेके जा रहे हैं नाव के अंदर, we dream
गाइस फाइनली हम नाव क्रॉस कर लिए। बस उस पार से घूम के आते तो 20 किलोमीटर ज्यादा होता, पर यहाँ पे तो एक घंटा हो गया खड़ा हो के, उससे भी ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा हो गया। तो अभी सीधा चलेंगे घंटेश्वर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और भूख भी लग रही है। ये मतलब एक गांव में जाता है ना, इसलिए यहाँ पे खाना वाना कुछ नहीं मिलता। जो बिस्किट वो सब मिल जाएगा, पर चावल वावल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके लौटना है फिर, क्योंकि हमको तो काम दो काम है, ख़त्म करते करते 3-4 बज जाएंगे, तो 4 से फिर लौटना है, शाम हो जाएगा फिर। तो चलिए जल्दी जल्दी जाते हैं, काम करके खाना वाना खा लेते हैं। यहाँ पे तो खाना मिलेगा नहीं, जहाँ पे मिलेगा वहीं पे खाएंगे और क्या। दोस्तों हमारा जो काम था वो काम सभी के सभी खत्म हो गए हैं, मतलब निपटा दिए काम को सभी। तो हमको अभी जाना है, मतलब हम अभी 3:30 बज रहे हैं और मेरे को बहुत जोर से भूख लगा है। मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं था, और जहाँ पे काम करने के लिए गया था वहाँ पे थोड़ा 2-4 मिठाई खा लिए थे कस्टमर दिए थे, तो उसमें भूख मेरा मिटा नहीं है। अभी जाएंगे और रास्ता में तो आसपास कोई भी होटल वगैरह नहीं है, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे है होटल है, तो वहाँ पे चलते हैं। एक सिहड़ी नाम का प्लेस है, वहाँ पे अच्छा बिरयानी मिलता है। चलिए चलते हैं वहाँ पे बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाने के बाद पूरा सीधा मंजिल पे पहुँचते हैं, मंजिल मतलब घर पे नहीं सॉरी कार्तिक के पास। वहाँ पे एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करने के बाद वीडियो डालते हैं। चलिए बिरयानी खाने के लिए चलते हैं भाई। फाइनली दोस्तों हम आ गए अभी तिहड़ी मार्केट के ऊपर। यहाँ पे तो बिरयानी अच्छा खासा बिरयानी मिलता है, पर अभी है या ख़त्म हो गया क्या पता, जाने से पता चलेगा कि है या ख़त्म हो गया। चलिए चलते हैं बिरयानी खाने। यहाँ से राइट साइड पे दिखता है यहाँ पे, पर सामने बड़ा गाड़ी छूट गया हमारा, सामने नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे बिरयानी मिलता है यहाँ पर अच्छा वाला। भाई बिरयानी होबो, चलो लोगे अपना हाथ हाथ खाएगा। चलो बिरयानी रेडी है, खाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया चिकन का पानी। देखिए बिरयानी रेडी हो गया, अभी हम खाएंगे, खाने के बाद वीडियो बनाते हैं और क्या। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएंगे जरूर। और आज मेरा हिंदी बोलने का पहला दिन है, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो मिस्टेक हो गया होगा तो काइंडली वेरी वेरी सॉरी। और ऐसा बोलते बोलते मैं हिंदी भी बोलना सीख जाऊंगा। और अभी शाम होने वाला है, ये देखिए सूरज डूबने वाला है, तो अभी और ब्लॉग नहीं कर पाएंगे। तो और ऐसा भी ऐसे भी मेरा मतलब गोप्रो में चार्ज ज़्यादा नहीं है, तो कुछ भला बुरा कह दिया हो तो दिल से सॉरी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा आपको तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो हम मिलते हैं कल फिर दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा। फाइनली दोस्तों हमारा खाना जो है बिरयानी वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टीफुल था। पर खाना का वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि उसी टाइम मैं जिस टाइम खा रहा था उसी टाइम 3-4 आदमी आ गए ना खाने के लिए, इसलिए उनके जगह नहीं थे वहाँ पे, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी तो पेट पूजा हो गया, अभी चलते सीधा एडिट करेंगे
चलेंगे सीधा कार्तिक के पास, वहाँ पे जाके एडिट करके वीडियो डालेंगे और क्या। चलिए सीधा पहुँचते हैं कार्तिक के पास। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।